आप सभी को पता है कि नीट की डेट आ चुकी है। नीट की ऑफिशियल वेबसाइट पर 17 जुलाई को नीट का एग्ज़ाम होगा ऐसा लिख के आ रहा है, लेकिन अभी ये डेट थोड़ा आगे भी बढ़ सकती है। लेकिन अभी के लिए हम यही मान के चलते हैं कि 17 जुलाई फाइनल है। हमारे पास मोटे मोटे 3 महीने हैं, 3 महीने ही मान के चलिए। आप उसके ऊपर जो 10 दिन है उन्हें भूल जाइए। इस वीडियो के लास्ट तक आपको ये पता लग जाएगा कि इन 3 महीनों में आपको क्या करना है, कैसे पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। मैं गारंटी देता हूँ जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा अगर आप उनको फॉलो करोगे आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा, बट आपको इन चीज़ों को फॉलो करना है। और दूसरी बात भाई, वीडियो को पूरा देखना ताकि जो मैं बता रहा हूँ पूरी बात आप जान सको, सब कुछ आपको समझ में आ सके। भाई देखो, सिलेक्शन तो तब की बात है, पहली चीज़ तो आपको अपने पर विश्वास होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ। अब मैं 3 महीने में भी सिलेक्शन ले सकता हूँ, अगर आपके ऊपर ये विश्वास है आपके अंदर और आप उसके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हो तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। पहली चीज़ हिम्मत बना के रखना, हिम्मत मत टूटने देना। देखो भाई, अब ये तो मानने वाली बात है कि हमारे पास टाइम कम है। अगर हमारे पास टाइम कम है तो हमें स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क से ज़्यादा। डेली का टारगेट बनाओ, डेली कोशिश करो 2 सब्जेक्ट को एटलीस्ट टच करने का, मतलब 1 या 2 चैप्टर उस चैप्टर मतलब बायोलॉजी के और केमिस्ट्री के या बायोलॉजी और फिजिक्स के ऐसे करने का एक सीक्वेंस बनाओ। अगर आपका एक हृदय बन गया ना पढ़ने का तो उसके बाद फिर अच्छा होता चला जाएगा, स्टडी टाइम डेली बढ़ता चला जाएगा। स्टार्टिंग में कोशिश करो ऐसे टारगेट बनाने के जिनको आप इजीली अचीव कर पाओ, ताकि आपका कॉन्फिडेंट थोड़ा बिल्डअप हो और आपका आत्मविश्वास बढ़े, मोटिवेशन आए अंदर से। जैसे कि जब आप बायोलॉजी पढ़ो सबसे पहले ह्यूमन फिजियो उठाओ, क्योंकि उसका वेटेज ज़्यादा है और चैप्टर कम है। जब आप ह्यूमन फिजियो पढ़ो 11th की तो साथ में 12th का रिप्रोडक्शन वाली यूनिट भी करो, क्योंकि वो उसके साथ रिलेटेड है, दोनों को पढ़ने में इजी होगा साथ में और कोरिलेट कर पाओगे आप टॉपिक्स को। उसके बाद आप बायोटेक के 2 चैप्टर, इकोलॉजी के 4 चैप्टर, स्ट्रेटजी वाले के 3 चैप्टर और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये सब कर सकते हो। भाई इनको करने के बाद आपको एक थोड़ा कॉन्फिडेंट आ जाएगा, क्योंकि कुछ मार्क्स ज़्यादा मार्क्स बायोलॉजी का आपके हाथ में आ जाएंगे, क्योंकि आपका वेटेज वाली जो थोड़ी चीज़ें हैं वो आपके हाथ में। और उसके बाद जब आप प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर पर आते हो, इनमें ज़्यादातर एग्जांपल आते हैं, तो इनके लिए मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा आप किसी की टेक वीडियो देख लीजिए। अगर आपको ये जरूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं खुद बना दूंगा एक टेक वीडियो, टिक से ये ईजिली याद हो जाएंगे और आपको रिमाइंड करने में दिक्कत नहीं होगी। एक ही वीडियो में 3 सब्जेक्ट के टॉपिक्स के बारे में बताना थोड़ा मुश्किल है, तो आप अगर बोलोगे मैं इनके ऊपर अलग से एक एक वीडियो बना दूंगा 3 सब्जेक्ट के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए। अभी मैंने आपको ज़्यादातर बायोलॉजी के बारे में बताया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इन पर आप ध्यान दीजिए, इन्हें एक कॉपी में नोट्स कीजिए और इन्हें कीजिए, जो आपका हो जाए उसका ऊपर टिक लगाइए, फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए साथ में उसके ऊपर टिक लगाइए। इससे आपका थोड़ा कॉन्फिडेंट बढ़ेगा कि मेरा एटलीस्ट कुछ हाथ में है, इतना सिलेबस मैंने कवर कर लिया और इतना ठहरा है, और आपका एक व्यू क्लियर होगा कि मुझे इतना पढ़ चुका हूँ मैं और इतना मुझे अभी और पढ़ना है। और भाई ये आपके पास लास्ट टाइम है, लास्ट चांस है, तो ये गलती तो बिल्कुल मत करना। पर्सनल फ़ोन बिल्कुल त्याग दो, घर का फ़ोन यूज़ करो यूट्यूब पढ़ने के लिए, मतलब फालतू चीज़ों के लिए तो छोड़ ही दो भी कुछ 3 महीने 4 महीने के लिए, जब तक आपका सिलेक्शन मतलब जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता। दिन रात एक कर दो, पढ़ाई करो बस मेरे भाई, पढ़ लोगे सिलेक्शन हो जाएगा तो बहुत कुछ है लाइफ में, वरना फिर आपको फिर परेशानी होगी, ये लगेगा कि मैंने टाइम वेस्ट किया, मैंने ईयर बर्बाद कर लिया, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, मेरा कुछ नहीं हुआ, तो ये सब बाद में पछताने से अच्छा है अभी थोड़ी मेहनत कर लो, दिन रात एक कर लो, सुबह जल्दी उठ लो और रात को थोड़ा लेट सो जाओ, पढ़ लो यार, हो जाएगा, इतना हार्ड नहीं है। अगर आपको सब्जेक्ट वाइज वीडियो चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बोलें प्लीज़, मैं बना दूंगा आपके लिए, मैं आपके साथ हूँ एट द एंड तक। थैंक यू।